मैं हूँ सुषमा और आज मैं आपको बताऊंगी कि दस्त होने पर घर पर ही आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। दस्त को लूज मोशन या डायरिया भी कहते हैं। ये एक पेट की बीमारी है जो शरीर के पाचन तंत्र के बिगड़ने से होती है। दस्त की शिकायत बच्चे और बड़ों में से किसी को भी हो सकती है। गलत खान पान या बदहजमी के वजह से दस्त लग जाते हैं। ज्यादा सर्दी या गर्मी में भी दस्त की शिकायत होने लगती है। दस्त होने पर शरीर में पानी की कमी होने लगती है जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि दस्त होने पर वो कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें अपनाकर आप इसका इलाज कर सकते हैं। एक चम्मच अदरक का रस, एक चम्मच नींबू का रस काली मिर्च के साथ लेने से भी दस्त में बहुत लाभ मिलता है। दस्त होने पर अदरक की चाय पिए या फिर अदरक का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल के चूसे। इस उपाय से दस्त में आराम मिलता है और पेट की मरोड़ भी शांत हो जाती है। 3 से 4 कच्चे केले बिना छिले उबाल ले। अब एक बर्तन में 1 चम्मच घी गरम कर ले। इसमें 3 से 4 लौंग और उबले हुए केले छिलकर डाल ले। अब एक और बर्तन ले और उसमें 1 कटोरी दही, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर मिक्स कर ले। अब इस दही के मिश्रण को केलों में मिला दे। इसमें थोड़ा पानी डालकर थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर पकाएं। ठंडा होने के बाद इसका सेवन करें। दस्त के इलाज में केले का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। चाहे कब्ज हो या दस्त, इसबगोल भूसी का सेवन दोनों ही बीमारियों में बहुत फायदा दिलाता है। लूज मोशन होने पर दही में इसबगोल का छिलका मिलाकर खाने से आपको लाभ मिलता है। 5-5 ग्राम सौंफ और जीरा को बारीक पीसकर चूर्ण बना ले। 1/2 चम्मच चूर्ण को 1 ग्लास पानी के साथ ले। इससे भी दस्त में आराम मिलता है। संतरे के छिलकों को 2 से 3 दिन तक अच्छी तरह सुखा कर इसका चूर्ण बना ले। अब मुनक्का के सूखे बीजों को पीसकर इसका भी चूर्ण बना ले। इन दोनों चूर्ण को बराबर मात्रा में लेकर 1 ग्लास पानी में मिलाकर इसका सेवन कर ले। इससे भी दस्त की समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाती है। 4 कप पानी में 4 छोटी इलायची लेकर पकाए। जब पानी 3 कप रह जाए तो इसे ठंडा होने दे और हर 4-4 घंटे बाद दिन में 3 बार 1-1 कप पानी पिए। लूज मोशन होने पर इलायची का सेवन भी बहुत फायदेमंद होता है। कभी कभी ज्यादा गर्मी होने पर भी दस्त लग जाते हैं। ऐसे में 7 से 8 सिंघाड़े खाकर उसके ऊपर 1 ग्लास लस्सी पिए। ऐसा करने से भी दस्त जल्दी ठीक हो जाता है और शरीर से गर्मी भी निकल जाती है। बच्चे या बड़े किसी को भी दस्त हो तो दही चावल खिलाएं। दही चावल खाने से भी दस्त बंद हो जाते हैं। आप दही चावल में मिश्री मिलाकर भी खा सकते हैं। कुछ लोगों को दस्त लगने पर खून आने की शिकायत भी होती है जिसे खूनी दस्त कहते हैं। ऐसे में गाय के दूध से बना मक्खन खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। खूनी दस्त लगने पर 10 से 15 ग्राम मक्खन खाएं और 1 ग्लास लस्सी पिए। इससे खूनी दस्त बंद हो जाते हैं। जामुन की पत्तियों को धूप में सुखाकर इसे बारीक पीस लें। अब इसमें 1/4 चम्मच सेंधा नमक मिलाकर इसे दिन में 2 बार खाएं। इससे भी धीरे धीरे लाभ मिलने लगेगा। 1 ग्लास गाय का ताज़ा दूध ले और उसमें नींबू निचोड़कर तुरंत पी जाए। नींबू निचोड़ने से दूध फट जाएगा जिसे पीने से दस्त में तुरंत आराम मिलता है। डायरिया होने पर शरीर में पानी की कमी होने लगती है। ORS का घोल बनाकर पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। आप चाहे तो नींबू पानी भी पी सकते हैं। बच्चों को जब पहली बार दांत और दाढ़ निकलते हैं तब अक्सर उन्हें बुखार और दस्त हो जाता है। ऐसे में उनके खान पान पर सही तरीके से ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कई बार शरीर में नमक की कमी होने पर या ज्यादा गर्मी लगने पर बच्चों को दस्त की शिकायत होने लगती है। ऐसे में उन्हें पानी में नमक और शक्कर मिलाकर पिलाने से आराम मिलता है। बच्चों को दस्त होने पर हल्का खाना खिलाएं। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और दस्त भी कंट्रोल में हो जाएंगे। कभी कभी दूषित खाना खाने से भी बेबीज को दस्त की शिकायत हो जाती है, इसलिए उन्हें हमेशा साफ सुथरा और हाइजीनिक फूड ही खिलाना चाहिए। इन घरेलू नुस्खों के प्रयोग के बाद भी अगर आपको दस्त में कोई आराम नहीं मिलता तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। इसी के साथ
डायरिया के घरेलू उपचार पे बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।